हाय एवरीवन, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि लोकतंत्र होता है क्या, यह कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। लोकतंत्र को प्रजातंत्र के भी नाम से जानते हैं। यह एक ऐसी प्रणाली होती है कि जिसके अंतर्गत जनता द्वारा अपनी इच्छा के अनुसार दल में आए हुए उम्मीदवारों को अपनी वोट डालकर अपना प्रतिनिधि को चुनती है, यानी कि अपने विधायिका के सदस्य के रूप में चुनती है। लोकतंत्र का मूल रूप है कि राजनीति से है, लेकिन कई सिद्धांत एक ऐसी भी है जहां पर इनका उपयोग संगठन के लिए भी किया जाता है। इब्राहम लिंकन, जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का 16वें राष्ट्रपति हैं, उनका कहना है कि लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा चुना गया शासन। जिस देश में लोकतंत्र की व्यवस्था होती है वहाँ के लोग अपनी मन से अपने वोटों के द्वारा विधायिका को चुनती है। लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सभी व्यक्तियों को समान अधिकार प्राप्त होता है, जिनके अंतर्गत सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय भी शामिल होता है। लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला, प्रतिनिधि लोकतंत्र। इसमें क्या होता है कि जनता अपनी इच्छा के अनुसार प्रतिनिधि को चुनती है और अपना विधायिका के रूप में देखती है। विधायिका जिला के अंतर्गत या संसद के क्षेत्र के अंतर्गत चुना जाता है। और उदाहरण के लिए समझे तो भारत देश है। नंबर टू की बात करते हैं तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि अगर कोई भी फैसला सुनाना हो या देखना हो तो उसमें सभी नागरिक अपना मत के रूप में मतदान करते हैं कि जिसका मतदान ज़्यादा निकलेगा उसका ही फैसला सही होगा। यह वहाँ किया जाता है जहाँ की जनसंख्या बहुत कम होती है। उदाहरण के लिए समझे तो स्विट्जरलैंड, जहाँ की उनकी जनसंख्या कम है, वहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है। तो क्या आपको ऐसी जानकारी कैसे लगी, कमेंट से ज़रूर बताइएगा। और ऐसी अमेजिंग वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।